अभी टाइम आ रहा है शाम के 4:10, और एक अपडेट मैंने डाल दिया है अभी यूट्यूब पे, थोड़ी सी वीडियो बना के, पूरी फैमिली कैसी है। फिलहाल अभी सबके लिए मैं काढ़ा बना लेता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम 3 टाइम काढ़ा ले रहे हैं। अब इसको उबलने देते हैं थोड़ी देर के लिए, पानी तक आधा हो जाए। साथ ही मैंने पपीता भी काट दिया सबके लिए, तो इसको कट करके अभी सबको दे दूंगा मैं। डॉक्टर ने बोला जितने ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हो उतने ज़्यादा फ्रूट्स लो, तो मैं तीन तीन चार चार टाइम भर भर के सबको फ्रूट्स खिला रहा हूँ, चाहे ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ लेकिन खिला रहा हूँ। तो काढ़ा रेडी हो गया होगा। पापा जी लो काढ़ा, ठीक फील कर रहे हो अब? 94, चलो। बाकी कुछ लग तो नहीं रहा ना, सांस लेने में दिक्कत, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा ना? थोड़ा सा हो जाएगा ठीक, कोई नहीं, काढ़ा ले लो, इसके बाद फिर मैं आपको पपीता दे दूंगा। और चाहे जो भी हो, पापा जी की ऑक्सीजन को देख के मुझे अच्छा लगता है, 90+ दिखती है ना जब। तुम्हारे काढ़े में वो डालना है क्या, चीनी डालनी है हल्की हल्की? ले चीनी वाला है। क्या डर के रहो? मम्मी बार बार पापा जी के पास आ रही है पापा जी को देखने के लिए। मम्मी टेंशन मत लो, सब ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो गई है, आपकी भी ठीक है, बस दवाई लेते रहो, सब चीज़ों को फॉलो करो, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है, आप टेंशन मत लो। फिलहाल ये पापा जी का मैं बुखार देखने के लिए आया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये भी हर 2 घंटे में चेक करना है बुखार। और ये ओरियो को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओलू इसका हाथ मत लगाओ ओरियो को, वो परेशान हो रहा है, सोच रहा है अम्मी क्या हो रहा है ये। हैं ओरी? नहीं 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 क्या हुआ, क्या कह रहे हो? वो सोच रहा होगा इतने दिनों से मेरे से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। बुखार तो नॉर्मल है सबका, कल से किसी को भी बुखार नहीं आ रहा है, तो ये काफी सही बात है। चलो हो गया, चलो अब बाहर। अभी पापा जी को रिकवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना खाओ अपना अच्छे से। पापा जी को हमने इस वाले रूम में बोला, बिकॉज यहाँ पे विंडो भी है ना, तो यहाँ पे पापा जी को ऑक्सीजन सही सही मिलती रहेगी। मम्मी पापा को ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है, बस मम्मी पापा जल्दी से रिकवर हो जाएं। अभी फिलहाल मैं छत में आ गया हूँ, बिकॉज फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरी है इस तरह से, डॉक्टर ने बोला था कि घूम लेना थोड़ा बहुत। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो मैंने पापा जी मम्मी को भी बोला कि अभी आप भी ऊपर आ जाओ, थोड़ा दूर दूर रहना। ओरियो का माल पानी भी नहीं उठाया इतने दिनों से, उठा दे यार, गुड बॉय, तो यही काम कर ले, ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे। तो अभी एक प्रॉब्लम आ गई, हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने गौरव भैया को बोला है, उनके पास समरसिबल है ना, तो वो हमारी नीचे जो अंडरग्राउंड टंकी है ना उसको भर देंगे। अंडरग्राउंड वाली टंकी हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब पानी पता नहीं है ना किस टाइम आता है, सुबह आता है शाम आता है, कब भरे हम सब बीमार हैं, मैं क्या क्या देखूँ यार। तो गौरव भैया कह रहे हैं कि मैं भरवा देता हूँ, देखते हैं। ये जो है ये खाली हो गई है, देखो पूरा नीचे तक इसको भरवाना पड़ेगा, बस ये भर जाए हमारा हफ्ते तक का पानी चल जाएगा इसमें। पापा जी और मम्मी को मैंने ऊपर भेज दिया है फ्रेश एयर में, थोड़ा दूर दूर रहेंगे और बिना मास्क के रहेंगे, तो थोड़ी अच्छी हवा मिलेगी, डॉक्टर ने बोला था। इतने पापा जी ऊपर गए थे, मैं पापा जी का रूम सैनिटाइज कर लेता हूँ पूरा अच्छे से। तो पानी का जुगाड़ भी हो गया है, पानी भर रहा है, काफी जल्दी भर जाएगा इससे। तो कैसा लग रहा है मम्मी जी, अब ठीक लग रहा है? पापा जी, पापा जी योगा कर रहे हैं, हटा लो मास्क, हटा सकते हो, खुली एयर में मत रखो अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो। तो गाइस बाकी सब तो ठीक है, खाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, भूख भी लग रही है, सब खा रहे हैं, बट ये पीयूष बिल्कुल भी नहीं खा रहा है कुछ भी, इसको हम दे रहे हैं ना फ्रूट्स वगैरह काट के, पीयूष तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। पीयूष समझाएगा सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, कह रहा मैं चटपटा खाना है। भाई अगर तेरे को अच्छा फील हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है, तेरे अंदर भी है भाई, खाएगा नहीं ना तू भी बीमार हो जाएगा, नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा भाई। ना ये नारियल पानी पी रहा, ना ये पपीता खा रहा, नारियल पानी नहीं पिया, आधा छोड़ दिया इसने, पपीता खा ले, देखिए पपीता काट रखे ना, तेरे पपीता काट रखे ना, इसको बोले एक पीस तो खा लेगा पपीते का, एक पीस तो खा ले, इसकी तबीयत खराब होगी फिर क्या होगा। अरे चटपटा नहीं खाना ना मम्मी, डॉक्टर ने मना किया है, तो अब क्या किया जाए इसका, इसकी तो अलग ही टेंशन हो रही है, दवाई दूंगा फिर दवाई भी नहीं खाएगा ये भाई, इतनी हैवी दवाइयां हैं, उसके लिए खाना तो खा पहले अच्छे से, सिंपल रोटी करना, सूखी रोटी, हाँ सूखी रोटी, खीरा प्याज, हाँ खीरा प्याज, हाँ हाँ हरी सब्जियां ही बोला डॉक्टर ने, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमको दवाई खानी है ना। अभी पारस भैया का फोन था, वो टाइम टाइम पे खाना पीना फ्रूट फ्रूट सब लेके आ रहे हैं हमारे, तो उनको जाके बोल देना थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से भी। खाना हमारा ओनली एक जगह से नहीं आ रहा है, ओनली पारस भैया के वहाँ से नहीं, हमारे पड़ोस में जो जैसे कि सामने गौरव भैया हैं वो भी देके जा रहे हैं, और पीछे भी हैं,
विनोद है ना, विनोद के घर से भी आ रहा है ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो लोगों को भी, और सोनू भी आओगे या फिर गौरव भी आओगे, उनसे मंगा लेता हूँ सामान थोड़ा बहुत लाना, फ्रूट्स वगैरह मंगाने होते तो, और थोड़ा बहुत अगर बनाना होता तो हम खुद भी बना रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा तो कर नहीं सकते बिकॉज हम सारे इन्फेक्टेड हैं, एक दो भी नहीं होते ना तो अच्छे से केयर कर लेते सबकी, बट सारे ही हैं अब तो करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो अभी रात के बज गए हैं 8:10 और अब चलते हैं, खाना भी आ चुका है हमारा, खाना खाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। बाय द वे ओरियो यहाँ पे है, जो लोग बोल रहे थे ओरियो क्या कर रहा है, मस्ती में है ना, ओरियो तो अपने मस्ती में, इसको हम खाना पीना दे रहे हैं आराम से टाइम टाइम पे। चले चला जा, रोटी अगर और चाहिए होगी तो बता देना, ठीक है ठीक है। सब्जी भी अगर, सब्जी एक्स्ट्रा खाना, सब्जी जरूरी है आपके लिए, फिर उसके बाद दवाई दे दूंगा आपको। पीयूष को तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सुबह से लगा हुआ है बस आईपैड में, पता नहीं वीडियो देखे जा रहा है क्या करे जा रहा है, टेंशन लेनी भी नहीं है पीयूष, ठीक है। बस तू फ्रूट खाएगा यार, ये फ्रूट नहीं खा रहा, सबसे मेन बात तो ये है। रोटी भी, सब्जी भी देखना छोड़ देगा फिर, ये सब्जी पूरी खाया कर, ठीक है क्या। तो अब फिलहाल मैं भी खा ही लेता हूँ रोटी सब्जी और सैलेड, मम्मी जी वहाँ बैठ के खा रहे हैं, पीयूष अपना अंदर बैठ के, एंड साहिल भी, पापा जी और उधर, मैं इधर। इसके बाद फिर दवाई लेनी है, भाप भी लेनी है हमको। मम्मी जी आ जाओ, मैंने तो ले लिया, आप भी ले लो, ये वाला मेरा है, मम्मी जी का ये वाला है अलग से, तो इन दोनों को सैनिटाइज कर लेंगे, इसको भी सैनिटाइज पूरा, मैंने आपका वो लगा दिया वहाँ पे, सैनिटाइज भी कर दिया अच्छे से, तो आप ले लो। तुमने दवाई ले ली क्या, दवाई ले ली तुमने, हैं ले ली, पीने वाली भी ले ली साहिल, क्या कर? गेम खेल रहे हो तुम, इनको सैनिटाइज कर लेना ठीक है, सोते हुए कर दिए। पीयूष पूरा दिन इस रूम में है और गेम खेल रहा है, लेकिन वो ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि तू बस बाहर मत आइयो, हमारे पास में मत आइयो, तो बस इतने गेम खेलता रहे, कुछ भी करता रहे, क्योंकि इसको कहीं पे पेन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है ना, तो हम नहीं चाहते कि इसको भी कुछ हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू गेम खेलता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन इसी रूम में रहे, अच्छे से दूर रहे, सैनिटाइज कर, इसमें छोटा सैनिटाइजर दे रखा है मैंने, चलो कोई बात नहीं ठीक है। और जो ये है ना, ये तीनों ले रहे हैं, पापा जी मैं भी और मम्मी भी, क्योंकि हमको खांसी है ना, इसीलिए तीनों का जो मास्क है वो अलग है, पापा जी का भी, मेरा भी और मम्मी का भी, मशीन है लेकिन उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे उल्टा करके सो जाना ठीक है, उल्टा कर, उससे ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना रात को। बाय द वे यहाँ पे सारी विंडो खुली हैं, फैन भी खुला है, तो सही। तो सभी ने डिनर कर लिया, मेडिसिन भी ले लिया, सबको दे दिया मैंने टाइम टाइम पे, और अभी टाइम हमारे रात के 10:40, तो अब सारे रेस्ट करेंगे, साहिल और पीयूष तो गेम खेल रहे हैं, जब तक खेलेंगे खेल लेंगे, कोई नहीं, बस पॉजिटिव रहना सबको। मम्मी जी यहाँ पे, मैं तो नीचे यहाँ पे गद्दा लगा रखा है, नीचे ही सोता हूँ, तो 3-4 दिनों से तो यहीं सो रहा हूँ मैं, और अभी मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है, बिल्कुल भी सिर दर्द या फिर बुखार तो वैसे ही नहीं आ रहा, और सांस लेने में भी ठीक ही लग रहा है, देखते हैं कब तक अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। जो भी है, थोड़ा बहुत मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, मुझे मेरा ना बहुत मन कर रहा है मतलब बनाने का, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक हैप्पीनेस मिलती है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, जो कि मुझे अब फिलहाल आ रही है। थोड़ा बहुत एडिट करके डाल दूंगा, जो भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा, तो बस प्रे करना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस मम्मी पापा ठीक हो जाए जल्दी से, हम तो हो ही जाएंगे। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।